हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम एक टीवी लेकर आए हैं और यह चाइना टीवी है, इसमें चाइना कलर किट लगा हुआ है। तो दोस्तों इस टीवी में जो खराबी है कि इसका ब्राइटनेस बहुत लो हो गया है, यानी पिक्चर एकदम डिम धुंधला दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों हम टीवी स्टार्ट कर दिए हैं और इसका जो पिक्चर है देखिए कितना डिम आ रहा है, धुंधला। देखिए हल्का अंधेरा करने पर दोस्तों यह कुछ पिक्चर देखने में बुझा रहा है, लेकिन दोस्तों इसका पिक्चर साफ नज़र नहीं आ रहा है। और इस टीवी का जो लिखावट है दोस्तों वह बिल्कुल एकदम जो है दोस्तों साफ आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको इसका लिखावट दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका लिखावट, देखिए इसमें लिखावट में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, देखिए ठीक है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह। देखिए इसका लिखावट बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन दोस्तों इसमें पिक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है। पिक्चर इसका डिम हो चुका है, देख लीजिए। और थोड़ा सा हम और अंधेरा करते हैं तो देखिए आपको कुछ है और साफ नज़र आ रहा है पिक्चर, ठीक है। तो दोस्तों हम इसी फोल्ड को बनाएंगे। तो सबसे पहले टीवी बंद कर लेते हैं और कुछ मुख्य ज़रूरी बात सुन लीजिए दोस्तों। इस टीवी का हम एक वीडियो पहले आपको दे चुके हैं, तो इस टीवी में जो फर्स्ट वाला में जो ख़राबी था हमारा कि उसमें पावर इंडिकेटर यहाँ पर लाइट नहीं जल रहे थे और टीवी हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था, और दोस्तों भटकल सेक्शन का जो आईसी है इसका शॉर्ट कर गया था। तो उस फोल्ड को जब हम बनाए थे टीवी हमारा स्टार्ट हो चुका था, भटकल आईसी भी बदल दिए थे, फुल पिक्चर जब आ गया था तो पिक्चर डिम का प्रॉब्लम आया था, ठीक है, ब्राइटनेस बहुत कम था। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि इस फोल्ड को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में आपको बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे। तो सेम दोस्तों हम वही इसका नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो आपको दे रहे हैं। आप दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो को स्थिर से देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज हमेशा मिल सके और कुछ नया देखें और कुछ नया सीख सकें, ठीक है। तो चलिए टीवी के पीछे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम टीवी के पीछे आ गए हैं और इसका जो सिस्टम आईसी यहाँ पर देख रहे हैं आप, यह 8873 सिस्टम आईसी है दोस्तों, चाइना किट है और इसका ESD 1010L इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और जो इसका STR है दोस्तों 5L0380 चार पिन का STR है और भटकल आईसी 78040 है। आप पहले इसका वीडियो देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं वह वीडियो तो आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर फर्स्ट वाले वीडियो का आपको लिंक देंगे, आप उस लिंक को टच कर वह फर्स्ट वाले वीडियो देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। फर्स्ट वाले में दोस्तों हमारा फोल्ड था भटकल आईसी में और दोस्तों हमारा टीवी स्टार्ट नहीं हो रहा था, जो यह पावर इंडिकेटर है नहीं जल रहा था, तो वो हम कैसे ठीक किए थे वह वीडियो देख लीजिएगा तो आप दोस्तों स्थिर से समझ जाइएगा, ठीक है, अच्छे तरह समझ जाइएगा। तो यह जो फॉल्ट है दोस्तों यह फर्स्ट आता है पिक्चर ट्यूब से ESD के ख़राब होने से, और दोस्तों AVL और AFC से तो ऐसा फॉल्ट नहीं आता है, ज़्यादातर आता है आपको सिस्टम आईसी और मेमोरी आईसी से, ठीक है। तो हम जो है दोस्तों इसको अच्छी तरह जब चेक कर रहे थे तो हमारा सारा वोल्टेज जो है दोस्तों सब कुछ ठीक बताया, पिक्चर ट्यूब का बेस भी दोस्तों ठीक बताया, लेकिन दोस्तों हम तसल्ली के लिए हम पिक्चर ट्यूब बेस भी बदले थे, ESD भी बदल के देख लिए थे, लेकिन दोस्तों हमारा प्रॉब्लम जस का तस रह गया। और लास्ट में दोस्तों हम मेमोरी IC बदल लिए, वह भी दोस्तों हमारा प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर AVL और AFC का जो पिन, जो कनेक्शन पिन होता है, जो आपको IC से कनेक्ट रहता है, वह सब वोल्टेज हम चेक कर लिए थे तो सब कुछ दोस्तों हमको ठीक बता रहा था, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम हमारा नहीं जा रहा था। तो दोस्तों हम इस फॉल्ट को लास्ट में IC को बदल के ठीक किए हैं, ठीक है। तो अभी आपको तो दोस्तों फॉल्ट ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले वोल्टेज सब चेक करके दिखाते हैं और आप स्थिर से देखिए कि इस किस्म का आपके पास फॉल्ट आए और आपके टीवी में ऐसा खराबी हो तो आप कैसे ठीक करेंगे वह आप समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे RGB और 180 वोल्ट, ठीक है।
तो हम देखिए दोस्तों मीटर को डीसी मोड में सेट कर दें, एक एक मीटर के एक प्रोड को देखिए हम यहाँ पर न्यूट्रल कर दे रहे हैं अर्थ, और दूसरे पिन से दोस्तों हम इसको सारा वोल्टेज डिटेल रूप से चेक करेंगे। तो चलिए टीवी को कर लेते हैं स्टार्ट, टीवी हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और थोड़ा सा हमारा ये टीवी दोस्तों परपरा रहा है, तो इसके लिए दोस्तों हम इसको साफ़ सुथरा करके और पेट्रोल से वाश करके इसको धोकर और साफ़ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 8 GB वोल्टेज आता है, तो 8 GB के लिए दोस्तों आप सबसे पहले वोल्टेज देख लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 1 वोल्ट से ऊपर 1.25 वोल्ट के करीब वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखिए। देखिए दोस्तों हमारा तीनों का वोल्टेज एक बराबर आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 8 GB दोस्तों क्लियर है। 8 GB जब हमारा वोल्टेज सही दिखा रहा है तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 180 वोल्ट की सप्लाई आएगा, इसे सप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा 180 वोल्ट यहाँ पर सही है, फिर हीटर की सप्लाई दोस्तों दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हीटर की सप्लाई भी दोस्तों, मीटर को एसी मोड में सेट कर कर और हीटर की सप्लाई दोस्तों हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर तकरीबन 4 वोल्ट के करीब 3.9 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। अब दोस्तों हम आपको डीसी मोड में सेट करते हैं और यहाँ पर आप वोल्टेज देखिए, तो देखिए दोस्तों वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज हमारा ब्लू कैथोड पर क्लियर है, यह रेड कैथोड है, लाल यहाँ पर भी ठीक है, यह ग्रीन है, यहाँ पर भी दोस्तों हमारा सही है दोस्तों, यह ग्रीन है और यह रेड है, तो सब ठीक है। यहाँ तीनों पर बस दोस्तों तीनों कैथोड पर वोल्टेज हमारा बिल्कुल सही बराबर आ रहा है। तो दोस्तों अब हम लास्ट में दोस्तों हम ESD बदल के देखें, नहीं ठीक हुआ, फिर दोस्तों हम आपको यहाँ पर मेमोरी IC बदल के देखें, नहीं ठीक हुआ। तो दोस्तों अब आपको AVL का वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि AVL होता कहाँ है। तो चलिए हम TV को उलट लेते हैं और AVL आपको चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा TV अभी स्टार्ट है, देख लीजिए इसका AVL का वोल्टेज, आप देख लीजिए AVL हमारा यहाँ पर आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा AVL का वोल्टेज भी सही दिखा रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों सही है। फिर यह दोस्तों हमारा AVL इसकी सिम से ऐसे आया है, और यहाँ से आने के बाद दोस्तों यहाँ या इस पॉइंट पर आया है AVL, और AVL दोस्तों हमारा IC के लिए यहाँ कनेक्ट हो गया है। तो यह भी वोल्टेज दोस्तों हमारा सही है, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। यह देखिए यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई, यह देखिए वोल्टेज हमारा सही है, यह वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई है, यहाँ पर भी दोस्तों वोल्टेज हमारा सही है। फिर हमारा यह IC के लिए सप्लाई है जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट की सप्लाई बनता है रेगुलेट करके, यह भी दोस्तों सप्लाई सही है, और यहाँ पर साउंड सेक्शन की सप्लाई है, यह भी सप्लाई दोस्तों सही है। तो सारा वोल्टेज जब हमको ठीक मिला तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप प्रिंट देख रहे हैं न्यू, यहाँ पर आप बेस का जो है सोल्डिंग न्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम इसका बेस बदले थे इस फोल्ट के लिए, लेकिन दोस्तों हमको शक हो रहा था कि बेस बदलने से यह प्रॉब्लम सॉल्व है नहीं होगा, और दोस्तों ये बेस तो बदल दिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों हम देखिए ESD का भी आपको सोल्डिंग न्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम न्यू ESD लगाए थे, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों हमारा ठीक नहीं हुआ था। तो दोस्तों लास्ट में हम IC को बदले थे, तो सबसे पहले TV को आप बंद करते हैं और IC को बदल कर, और देखिए दोस्तों हम सबसे पहले इसमें एक बेस लगाए हैं IC के लिए, IC होल्डर बेस, और उसके ऊपर दोस्तों हम पुराना वाला IC लगा कर रखे हुए हैं, इसी पर दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। अब दोस्तों हम इसमें न्यू IC लगाएंगे। पहले दोस्तों यह IC किट में लगा हुआ था, बेस नहीं था, तो हम सब बना लिए हैं, आपको तसल्ली के लिए चेक करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं। तो दोस्तों कंट्रास्ट कंट्रोल और ब्राइटनेस कंट्रोल, यह सिस्टम IC और मेमोरी IC से ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग होता है, पिक्चर के हिसाब से ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, हल्का फुल्का दोस्तों इधर उधर से हम चेक करके देखते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर इस किस्म का फॉल्ट आए तो देखिए यहाँ से आप फोकस स्क्रीन कंट्रोलर से लाइट को बढ़ा घटा कर देख सकते हैं, यहाँ से लाइट बढ़ाने के बाद पिक्चर सही नहीं होता है और रिट्रेस लाइन स्क्रीन पर आता है। तो दोस्तों आपका ESD बिल्कुल सही है, ESD में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। आपको दोस्तों हम चेक करके भी दिखाते हैं,
हम आपको देखिए पिक्चर भी चला दे रहे हैं और आपको स्क्रीन कंट्रोल से वोल्टेज चला के दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो है स्क्रीन पर पिक्चर आ गया है, अब आपको पिक्चर देखिए और हम जो है दोस्तों स्क्रीन कंट्रोलर से वोल्टेज घटा बढ़ाकर देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए और स्क्रीन से देखिए हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं स्क्रीन कंट्रोलर से, लेकिन दोस्तों हमारा रिट्रेस लाइन आ जा रहा है, पिक्चर हमारा साफ नहीं हो रहा है, इस पर लाइट नहीं आ रहे हैं। जब लाइट नहीं आ रहे हैं तो सब कुछ आपको चेक करके दिखा दिए दोस्तों। तो अब हम करेंगे यह कि आईसी हम बदल के आपको अब दिखाते हैं। आईसी बदलते ही दोस्तों इसका सारा जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सही हो जा रहा है, ठीक है। तो आईसी को हम बेस से निकाल लेते हैं और बदल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बेस से यह पुराने वाले आईसी को निकाल दिए हैं और सबसे पहले इसका नंबर देख लेते हैं आपके सामने। हम इसको हटाते हैं और दिखाते हैं कि किस नंबर का आईसी यहाँ पर लगा हुआ था। तो दोस्तों यह जो आईसी लगा हुआ है 8895 और इसका अलॉट नंबर है 7EP3, ठीक है। आपको अब दिखाते हैं नज़दीक से, देखिए दोस्तों इस आईसी का नंबर 8895 और इसका लास्ट वाला चार को जो नंबर होता है 7EP3, यही इसका दोस्तों अलॉट नंबर है, यही मैच कर और दोस्तों इसमें आईसी लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब जो सेम आईसी लगाने का हमका ज़रूरत नहीं है, 8873, 8895 या 8891 और 8893 या 8873, इसमें से कोई भी आईसी दोस्तों इसमें लग जाएगा, सभी का फंक्शन दोस्तों सेम है, ठीक है। पहले क्या होता था कि ट्यूनर लगा हुआ रहता था यहाँ पर, तो ट्यूनर के हिसाब से दोस्तों आईसी को सेट किया जाता था। तो ट्यूनर जब चलता था यहाँ पर तो उस हिसाब से दोस्तों जो आईसी आपका ख़राब है सेम वही नंबर का लगाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब ये भी चलता है तो इस किस्म का प्रॉब्लम अब नहीं है, कोई भी आईसी दोस्तों इसमें लग जाएगा। तो हम दोस्तों इसमें जो आईसी लगाएंगे वह लगाएंगे 8873 और इसका अलॉट नंबर है 6PR6। यह आईसी दोस्तों आपको मार्केट में आसानी से 200-250 में आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसका नंबर दोस्तों देख लीजिए, यह देखिए दोस्तों इसका नंबर 8873 6PR6, लास्ट वाला चार अंक जो है इसी यही इसका अलॉट नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों हम यही आईसी इसमें लगा देते हैं और आपको पिक्चर चला के दिखा देते हैं। यह दोस्तों प्रॉब्लम, हम सेम आईसी भी दोस्तों लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास सेम आईसी अभी नहीं है, हम यही आईसी इसमें लगाएंगे। हमारे पास यही आईसी अभी हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको लगा कर और ठीक कर लेंगे और इसको बनाकर कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको लगा दिए हैं, यह पूरी तरह बैठ गया है। अब हम दोस्तों इसमें आपको टीवी स्टार्ट करके और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए इसका इंडिकेटर बल्ब, चलिए हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई देने के बाद इंडिकेटर बल्ब हमारा जल चुका है, देख लीजिए। और अब हमारा टीवी थोड़े देर के बाद दोस्तों जब हम आईसी बदले हैं तो कुछ क्षण के बाद दोस्तों यह टीवी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों टीवी हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब टीवी की स्क्रीन पर लाइट आ रहे हैं तो आपको अब चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों टीवी की स्क्रीन पर हमारा लाइट भी आ गया है और हम डीटीएच भी स्टार्ट करके ये भी लगा दिए हैं। चलिए इसको सबसे पहले ये भी कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको पिक्चर दिखाते हैं। दोस्तों हम इस टीवी को ये भी सेट कर दिए हैं और पिक्चर दोस्तों एकदम बिल्कुल साफ हो गया है, ठीक है। चलिए आपको स्क्रीन दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों इसका पिक्चर जो है बिल्कुल साफ और एकदम क्लियर हो गया है, इसमें किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है दोस्तों आईसी सेट कर गया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें रिमोट भी सही काम करेंगे, तो इसमें जो रिमोट काम करते हैं वह रिमोट लगता है, देखिए 5757L0, ठीक है, येल्लो, और यही रिमोट काम करता है। पहले भी दोस्तों यही रिमोट लग रहा था और अभी भी दोस्तों यही रिमोट लगेगा। देखिए हम इसका मेनू, तो देखिए दोस्तों इसका मेनू सब कुछ क्लियर आ रहा है आपको। हम मेनू दबाते हैं और आपको स्क्रीन दिखाते हैं कि रिमोट काम कर रहा है कि नहीं। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, हम मेनू दबा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए रिमोट से इसका सब कुछ क्लियर आ रहा है, रिमोट भी हमारा सही काम कर रहा है।
ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों बिल्कुल सही हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बाई साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर ऑल नोटिफिकेशन कीजिए, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम आपको केवल पिक्चर चला के दिखाए थे, साउंड नहीं सुनाए थे, तो कहिएगा कि ऐसी बदले और साउंड आप नहीं सुनाए। तो दोस्तों हम उसके लिए ये भी साउंड का हम पिन निकाल दिए थे स्पीकर का, ताकि हम जो बोल रहे हैं आवाज़ बिल्कुल साफ आए, इसीलिए दोस्तों हम इसका स्पीकर का कोड निकाल दिए थे। तो कोड लगा दिए दोस्तों, हमारा साउंड और पिक्चर दोनों आ चुका है क्लियर, और हम जो ऐसी बदले थे वही लगाए ले हैं। चलिए थोड़ा सा साउंड भी बढ़ा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको एक बार स्क्रीन दिखा देते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, साउंड और स्क्रीन दोनों दोस्तों हमारा एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और किसी प्रकार से हमको कोई भूल चूक हो तो दोस्तों क्षमा कीजिएगा और कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है।